आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान की कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में साईं बाबा जी की मूर्ति पर कुछ लोग दूध से निलारे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद साईं बाबा जी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप भी देखिए ये वीडियो। और कई लोग इसे साईं बाबा का चमत्कार मानते हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये सब मूर्ति की स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो गणपति विसर्जन के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में कुछ लोग गणपति बापा को पानी में विसर्जित कर रहे थे, लेकिन तभी विसर्जित करते वक्त पानी तेज गति से बहने लगती है और गणपति बापा की जो मूर्ति है वो पानी में डूब नहीं रही और कई लोगों का कहना था कि गणपति बापा हमें छोड़कर जाना नहीं चाहते और इसी वजह से पानी के तेज बहाव से भी गणपति बापा उसी जगह पर रुके रहे थे और कई समय बाद गणपति बापा की जो मूर्ति है वो पानी में विसर्जित हो जाती है, मानो कि वो हमें बता रहे हैं कि मैं फिर से आऊंगा। और आप भी देखिए ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को गणपति बापा के आरती के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गणपति बापा के मूर्ति के ऊपर बहुत सारे चूहे और एक सांप बैठा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सांप उन चूहों को खा नहीं रहा और उससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वो चूहे उस सांप को देखकर डर नहीं रहे बल्कि उसके आसपास घूम रहे। और आप भी देखिए ये वीडियो। और कई लोगों का कहना है कि भगवान शिव का जो नाग है वो दर्शन लेने के लिए उस वक्त वहाँ आया था। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप गणपति जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो चाइना में स्थित संघई नामक एक शहर में रिकॉर्ड हुई है और इस वीडियो को 2017 में रिकॉर्ड किया गया था। जब संघई नामक शहर में जोरदार बिजली गिर रही थी तो तब एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से ये वीडियो फिल्माना स्टार्ट किया। शाम के दौरान चाइना के कई लोगों ने ये नोटिस किया कि एक व्यक्ति आसमान में उड़कर नीचे गिर रहे बिजलियों को अपने ऊपर समा रहा है और ये रहा वो वीडियो। दोस्तों, इस घटना को और एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और ये रहा दूसरे व्यक्ति का वीडियो।
मुझे लग रहा है कि ये वीडियो 100% रियल है और ये कहा जाता है कि ये भगवान यू हुआंग है जो कि चाइनीज माइथोलॉजी में इन्हें बादलों के देवता कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।